हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिजा। मैं आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ झांसी घूमने और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको और पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो भी मैसी है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आप लोगों को। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ काम चल रहा है घर में, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है सभी के घरों में, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, आपको ज़रूर हम लेके जाएंगे, मतलब मैं लेके जरूर जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा ये ब्लॉग। और देखते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में, और जहाँ भी मैं जाऊँगी सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको, ये कहाँ है कहाँ नहीं है, और मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मैं सिंपल हूँ बहुत ही, कुछ भी नहीं लगाया है, बस बीबी क्रीम लगाई है और सिर्फ एक कॉम्पैक्ट लगाया है और SPF वाला ही लगाई हूँ। और सीसी बीबी क्रीम में तो, पॉन्ड्स बीबी क्रीम में तो होता ही है SPF, इस वजह से। तो चलिए फटाफट से अभी मैं निकलती हूँ, थोड़ा टाइम हो रहा है मुझे, और जैसे ही वहाँ कहीं भी पहुँचूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, तो शायद रास्ते की बनाऊँ, जहाँ जहाँ मतलब बना सकती होंगी तो ज़रूर बनाऊँगी, डेफिनेटली बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखो, मन तो नहीं आया भाई। ये कौन सी जगह है? अच्छा, के नदी है। अरे ये इतने पहाड़, जो पहाड़ पुल मिला के ऐसे रह जाते, बस गणपति मूर्तियां भाई, बस जगह है। जब आएंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या कहते हैं, और अच्छा यहाँ भी आएंगे हम, तब सब पता चलेगा क्या क्या है भाई। धूप में तो कुछ समझ में नहीं आता, पक गए हैं। सेकंड ईयर में चलने वाली भाई।
गाड़ी में खड़े आ गए। देखिए हम आए हैं ओरछा घूमने के लिए और यहाँ का ओरछा बहुत ही अच्छा है झांसी में। तो ये एमपी लगता है ना, एमपी लगता है, ये इधर से एमपी आ जाता है। तो हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है वही मंदिर है। अभी कितना बजे, 7 बजे, 7:30 हो रहा होगा, 7:30 बज रहा है सुबह का। ये मेरी भाभी हैं, ये देखिए। अभी भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं अभी मेरे, वो गाड़ी पार्क करने गए हैं। ये देखिए ये भी एक मंदिर है ओरछा का। अभी मिलवाऊंगी आपको भाभी से, भैया सबसे मिलवाऊंगी, आराम से मिलिएगा। अभी मैं कैप्चर कर लूँ थोड़ा, हम लोग दर्शन कर लेंगे उसके बाद आराम से मिलवाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फूल वगैरह हैं, जो भी प्रसाद वगैरह है सब कुछ आपको मिल जाएगा। इधर से ये ये हरदोल का मंदिर यही ओरछा में ही है, तो वहाँ पर मैं आई हूँ। ओरछा के दर्शन हो गए हैं, ओरछा जी जो मंदिर है उधर के दर्शन हो चुके हैं मेरे। और ये है हरदोल का मंदिर, कट क्यों हो रहा है, ये है हरदोल का मंदिर। तो यही मैं दर्शन करने आई हूँ, यानी ओरछा के भी दर्शन किया मैंने। देखिए बहुत ही अच्छा है इधर, ग्रीन ग्रीन पेड़ है। तो ये देखिए भूल भुलैया है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मैं ऊपर आई हूँ यहाँ पर। और सब आपको इस तरह से, बहुत धूप है, टैनिंग तो होनी है, घर पे जाके सब ठीक कर लूँगी मैं। ओह थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए चलिए थोड़ा सा फोटो शूट कर लेती हूँ। ये भी एक मतलब ओरछा के पास ही है, ये मतलब नदी के पास, तो इसी तरह का है ये। देखिए कितना ऊंचा है, अंधेरा देखिए ऊपर की साइड में। और अब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा।
तबीयत शायद खराब ना हो जाए। चलिए मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए वो ऊपर तक चलो, चलिए आपको ऊपर से दिखाती हूँ मैं। भूल भुलैया है ये, बहुत गर्म हो रहा है भाई। अब हम लोग घर जा रहे हैं, शायद 10 तो बज ही गया होगा, पता नहीं शायद डिस्चार्ज भी हो जाए, शायद कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत थक गई। गाड़ी थोड़ा दूर रखी हुई है, ये भी इधर है, वहीं जा रहे हैं। भाई चीनी तो कहाँ से रख ले, चाबी लगा दो और थोड़ी देर पंखा चला देंगे, एक मिनट थोड़ा घुमा लो इसको फिर बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा छाया में खड़ी हूँ, बस वापस जा रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है। ओहो ये लोग देखिए बाहर ठंडे कंधे से बहुत ऊपर तक है पत्थर। नहीं भैया हमें नहीं करना, हमें नहीं डालना। ये देखिए पानी करने। ये देखिए भाई तो यहाँ आई हूँ मैं हरदुल के मंदिर, और ये देखिए कितना भीड़ भाड़ है, पीछे मंदिर है मेरे एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो ये देखिए सभी लोग पीछे खड़े हुए हैं, मेरे भैया भी हैं, भाभी भी हैं एंड उनके बच्चे भी हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है, अगर आप कभी ओरछा आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा समर से मत आइए, कम आइए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए फोटो सेशन हो रहा है यहाँ, चलिए मैं भी कर लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। पता नहीं कैसी वीडियो आएगी, पता नहीं है मुझे कैसा हो रखा है फेस, बस बनाए जा रहे हैं
आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ओरछा में क्या मतलब कि झांसी आते हैं तो क्या क्या है इधर पे, क्या क्या मिल जाएगा आपको देखने के लिए, इस तरह का है सब। आप लोग आए ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन आइए थोड़ी बारिश के टाइम या फिर ठंडे में आइए, मतलब विंटर्स में हल्का हल्का विंटर्स हो तब आइए तो बहुत ही मज़ा आएगा। और अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फिर से ही पता चल रहा होगा, तो अब घर पे जाके ही बाद में बात करती हूँ मैं। ये है हरदोल का मंदिर और इधर पे मैं दर्शन करने आई हूँ। और ये देखिए, देखिए हम लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं अभी। ये देखिए, दिखाए थे ना अभी हम उसको पहले जब आई थी, भूलभुलैया है ये। और ये है ओरछा का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छा है ये, तो इस तरह का है ये मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर ये सब आपको मिल जाएगा, जो भी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं मतलब कोई भी चीज़ है तो आपको आराम से मिल जाएगी इधर से। और यहाँ पे हमेशा 12 महीने ऐसे ही भीड़ भाड़ रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर पे इस तरह की पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और न्यू जिसकी शादी होती है नई नई, वो लोग ज़्यादा कुछ आते हैं। और जैसे कार्ड वगैरह जब कोई भी शुभ काम होता है तो यहाँ से ही शुरू करते हैं सभी लोग। बुक आ गया कृष्णा, अच्छा अच्छा हमें चलते हैं। यहाँ पर इस तरह की पकौड़ी बहुत अच्छी मिलती है और ये बहुत ही अच्छी जगह है। कहाँ पर है पीछे ये हरदोल में ना, हरदोल मंदिर आते हैं वहीं हैं ये, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर मिल जाएगा आपको। टेस्टी बनाते हैं, लोग खा रहे हैं दोनों में चला देंगे। ये देखो भैया, हाय करो। ये देखिए बना रहे हैं ये लोग, समोसे बन रहे हैं सर। ठंडा रखना चाहिए तो तुम्हें जली, हेलो करो, ठंडा रखना चाहिए। ये मेरी भतीजी है, मठा मठा भाभी से तो आप मिल ही चुके हैं। ये भाभी है, वो भाभी का बेटा भैया का, ये भतीजा है मेरा। हेलो हेलो करो, शर्मा रहा है, वो भी बनाता है यूट्यूब पर वीडियो।
दिखावे का टाइम नहीं जा रहा है। देखो देखो निकल ले। तो ये इस तरह का है और यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ वगैरह हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ, देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। बहुत धूप भी है, टैनिंग हो जाएगी ये तो पता ही है। ये देखिए, चल एंटिक मार्केट। ये देखिए एंटिक मार्केट है, ये सारा इधर का एंटिक जो भी आपको लेना है, जैसे पुराना जो भी रहता है ना उस तरह का एंटिक पीस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा, होटल है यहाँ पर इस तरह। ये देखिए लेके चलो, हम देखा नीचे की तरफ यहाँ है पानी के बतासे। पानी के बतासे लेंगे हम लोग, पानी के बतासे खाएंगे, सभी लोग खा रहे हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। जलेबी खाओगे? जलेबी पानी की बता से कितने खा लोगे? अनलिमिटेड 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 खा लेती है। अरे भी देखते अपन कंपटीशन करेंगे, कर लो आप फिर। हारना तो है ही। मेरी पति शर्मा रही है जैसे बात नहीं करती हो। एडिटर तो नहीं बना रही नहीं अच्छे हैं, गर्मी में सब ऐसे रहते हैं। गर्मी में सब लोग ऐसे हो जाते हैं। देखिए सब लोग थके थके, देखो भैया ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे एक भाई और हैं, तो वो अभी कहीं शादी में गए हैं इसलिए वो लोग नहीं आए। हम लोग आए हैं, बहुत गर्मी हो रही है इधर बहुत। भी हो जाएगी अभी। क्या कर रहे खाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आ गई थी ओरछा से घूमकर और बहुत ज़्यादा समर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी और मैं थोड़ा सो गई थी। वहाँ से आकर ही सो गए थे हम लोग, तो बस फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत मुँह हाथ धुला और सो गई मैं। तो अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं और एंड कर देती हूँ मैं अभी ये ब्लॉग। पता नहीं ये ब्लॉग कितना बड़ा होगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको डिटेल में सारी डिटेल दूँ मैं, कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमी हूँ। तो यही इसी वजह से थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाए वीडियो, तो पता नहीं मुझे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली उतना होना तो नहीं चाहिए, बट अगर हो गया तो मतलब देखिए आप लोग,
एंजॉय कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा थोड़ा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, मतलब आप चाहते हैं अगर आप झांसी में रहते हो या फिर आप कहीं रहते कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर आप झांसी आ रहे हैं, झांसी साइड आ रहे हैं, आगरा साइड आ रहे हैं, तो झांसी भी ज़रूर आइए और घूमिए। यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग मेरे साथ नए न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो मेरा न्यू वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। और जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, मतलब कुछ दिन पहले के हैं, और मैं जब से शुरू की हूँ, जब से जो वीडियोज़ हैं वो भी आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप चाहें तो। तो अगर आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छे लगे तो मैं ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी झांसी में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ घूम के, मतलब आप लोगों को भी दिखाना कि कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, कैसे कैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मत पता नहीं फेस मेरा कैसा आ रहा है, मुझे नहीं पता, मतलब ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर डल सा लग रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं बिंदी लगाए हूँ, कभी कभी बिंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी लगा लेती हूँ ब्लाउज में, वैसे भी लगाती हूँ बट ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा आ जाए फिर उसके बाद तो कहीं और भी जाएंगे हम लोग, उसको लेकर ही जाऊँगी मैं, बट मेरा बेटा नहीं है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है कहीं भी जाना, क्योंकि जब वो आ जाएगा ना तो उसके साथ जाने में मज़ा आता है मुझे, और वो बातें करता है, इन्जॉय करता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इस वजह से। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा मतलब नहीं है तो अच्छा भी लगता है कि थोड़ा बहुत घूम लिया मैंने। और लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो आ जाएगा उसके बाद ही मैं ब्लॉग डालूँ। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं और मैं जानूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं एक्चुअली। और मेरे जो मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ अपने सोफे पर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एक्चुअली मैं बना लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा कट नहीं करती हूँ, कट इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग को ओरिजिनल वीडियोस देखने को मिले, मतलब आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, मैंने किस तरह से बनाया है ये ब्लॉग्स वगैरह, तो वो सब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो अच्छे लगते हैं अगर मेरी वीडियोस, तो मुझे मेरे साथ रहिए, बने रहिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स बाय, आज के लिए इतना ही, मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, आप मुझे कमेंट करते रहिए और मेरे साथ घूमते रहिए। मैं अभी झांसी में रहूँगी तो कुछ दिन रहने वाली हूँ, तो आप लोग कहीं भी जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का और आप लोग भी इंजॉय कर सकेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय फ्रेंड्स, मैं कल फिर आपके साथ आपको न्यू वीडियो लाकर आपके सामने आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।